हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आपकी पहली एग्जाम बहुत ही नजदीक है। अब आप लोगों को ऐसा होगा कि सर सेक्शन ए का सॉल्यूशन कहाँ से करें, सॉल्यूशन मिल रहा है। तो चिंता नहीं करना है, आपका जो वृत्त प्रकाशन है उसके मैं सारे सेक्शन सॉल्व कराऊंगा आपको। तो आज के इस वीडियो में पेपर एक का जो आपका सेक्शन ए है मैथ्स का, वो भी बेसिक मैथ्स का, उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम न लिए बिना वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, और वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, 17 और 23 का महोत्सव कितना होता है? तो आपको पता है महोत्सव कैसे निकालना है। सबसे पहले 17 का और 23 का क्या करेंगे हम, गुणनखंड निकालेंगे। चलिए, 17 तो सिर्फ 17 के पहाड़े में आएगा, 17 एकम 17। उसी तरह 23 का निकालेंगे, 23 एकम 23। अब आगे क्या करना है, तो आपको पहले इस तरह से इसे लिख लेना है। और 23 का क्या है हमारे पास, 23 है, मतलब 23 एकम 23। अब आप देखें, महोत्सव मतलब ऐसा होता है कि इन दोनों में एक जैसी संख्या होती है उसे महोत्सव बोलते हैं। तो ये जो दोनों संख्या है जो गुणनखंड हमने निकाले हैं उसमें एक जैसी संख्या क्या है, तो देखिए एक जैसी संख्या से हमारे पास एक है, क्या है, एक। तो दोस्तों इसका महोत्सव कितना आएगा, एक। और ये विधान है आपका सही गलत। तो पहला विधान है आपका दोस्तों कैसा है, सही है। तो आपको बॉक्स बना के इसके आगे सही टिक कर देना है, ओके। या तो फिर आप एक क्वेश्चन डालिए, बॉक्स बनाए और सही का टिक कर दीजिए, आपको इतना क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब दूसरी संख्या कि भाई √9 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां रूट दिया है तो आपने रूट दिया है तो अपरिमेय मान लेंगे। नहीं, आपको देखना है रूट होगा तो अपरिमेय होगा, परंतु अगर वर्गमूल निकलता है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा। तो अब देखिए √9 है, उसका वर्गमूल कितना निकलता है दोस्तों, 3। तो इसलिए क्या हो गई, ये परिमेय संख्या। तो यहाँ पे यहाँ क्या लिखा गया है, अपरिमेय संख्या है। तो ये विधान कैसा है दोस्तों, गलत है, ओके। तो आपको 2 नंबर डालना है, बॉक्स बनाना है और गलत का चिन्ह कर देना है, या तो आप गलत ऐसे हिंदी में लिखेंगे तो भी चलेगा इस तरह से, ओके। दोनों मेथड चलेगी। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन, बहुपद दिया गया है आपको, पी ऑफ एक्स बराबर 2x-3 का शून्यक 3/2 है। तो आपको सिंपली प्रोसेस याद रखना है दोस्तों, जब भी शून्यक बोलेगा ना तो आपको पी ऑफ एक्स बराबर 0 ले लेना है। क्या ले लेना है, 0 ले लिया। चलिए अब सॉल्यूशन कर देंगे, 2x-3, अब -3 इधर आएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, +3, 2x। चलिए हमें ढूंढना क्या है, x, तो 2 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 2 के बटे में 3। और देखिए यही आंसर है ना, नहीं यहाँ पे 2 के बटे में 3 है, यहाँ पे 3 के बटे में 2 है। तो ये कैसा है, गलत है, क्योंकि हमारे आंसर में 2 ऊपर है और यहाँ पे 2 कैसा है, नीचे है। तो खास ध्यान रखिएगा इस चीजों का। तो यहाँ पे ये कौन सा विधान है दोस्तों, गलत विधान है, ओके, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो वो नियम याद रखना है आपको। चलिए आगे, माध्य सबसे अधिक बार उपयोग में लिए जाने वाला केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। तो ये सही बात है, बरोबर। केंद्रीय प्रवृत्ति में आपके माध्य भी आएगा, माध्यक भी आएगा, बहुलक भी आएगा, और सबसे ज्यादा यूज इसके अंदर हम किसका करते हैं दोस्तों, माध्य का करते हैं, मतलब एक्स बार का करते हैं। तो ये थियरी है, आपको याद रखना है, सही विधान है। चलिए अब आएगी विकल्पों की बारी। तो एग्जाम में आपका जो 80 मार्क का पेपर होगा उसमें 4 आपके क्या आएंगे दोस्तों, खाली, सॉरी, सही गलत आने वाले हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। देखिए क्वेश्चन है, 4 क्रमिक धन पूर्णांकों का गुणनफल खाली जगह से विभाज्य होगा। तो पहले वर्ड समझना है हमें, यहाँ पे क्रमिक धन पूर्णांकों भी कितने हैं, 4। तो कौन कौन से होंगे दोस्तों, धन बोला है याद रखना, ऋण नहीं लेना, मतलब सारी प्लस वाली संख्याएं लेनी है। तो 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 क्रमिक धन पूर्णांक हो गए। अब इनका क्या करना है, गुणनफल निकालना है। चलिए निकाल दीजिए, 2 एकम 2, मतलब 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 6 कितना हो गया दोस्तों, 24। अब यहाँ पे आंसर कितना है, गुणनफल कितना है, 24। अब 24 किससे विभाज्य होगा, इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 24 को विभाज्य कर सकती है, मतलब विभाज्य मतलब काट सकती है। तो यहाँ पे देखिए 24 से 24 ही कटेगा ना, 48 से तो कटेगा नहीं, 16 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 16 के पहाड़े में 24 नहीं आता है, 32 से भी नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 24, ओके। चलिए इसके बाद, पी ऑफ एक्स बराबर 2x+7, x belongs to R है का मा का ग्राफ खाली जगह है। जब भी दोस्तों आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछे ना, आपको ट्रिक लगा देना है,
अगर एक भी घात नहीं है मतलब ये कौन सा हो गया दोस्तों, रैखिक समीकरण। क्या हो गया? रैखिक। जब भी दोस्तों रैखिक समीकरण होगा हमेशा आपको क्या मिलेगी दोस्तों, रेखा मिलेगी। आपको ये पॉइंट इसके अंदर याद कर लेना है। ओके, फिर इसका जब पॉइंट आएगा तो अपने नेक्स्ट में इसको डिटेल में समझेंगे। ओके, तो आपको ट्रिक याद रखनी है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा यही वाला टॉपिक पूछा जाता है जिसमें घात नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन कंटिन्यू किए, अब आगे बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन करेंगे, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 की खाली जगह हल होंगे। तो आपने वो तीन नियम पढ़े होंगे जिसमें केवल एक हल आता है, अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं और कोई हल नहीं आता है। तो अब हम देखेंगे तीन में से कौन से नियम लगेंगे, और ये नियम तो कोई पढ़ा ही नहीं है हमने क्योंकि आपकी बुक में एन नहीं दिया। तो हम ये तीन नियम, ये तीन में से एक नियम इसमें लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, A1, B1, C1, A2, B2 और C2 मान लेना है। तो देखिए यहाँ पे A1 कितना होगा आपका, x के साथ में कोई संख्या नहीं है मतलब एक, चलिए B1 कितना होगा 2 और C1 कितना होगा आपका 5। उसी तरह यहाँ पे A1 कितना होगा -3, A2 है ये, B2 कितना होगा आपका -6 और C2 कितना होगा आपका 1, है ना। चलिए अब लिख के देख लेते हैं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, देखते हैं बराबर क्या आ रहा है इसमें से। देखिए A1 एक है आपका, A2 है -3, चलिए B1 है आपका 2 और B2 है -6, ये रहा, और C1 5 और C2 1, मतलब 5 1। अब देखिए 1 -3 तो हो जाएगा, काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब -1/3 हो गया ये भी, ये माइनस ऊपर लगा देते हैं, बराबर 5/1। अब देखिए इसमें पहली दो संख्या सेम है पर लास्ट वाली सेम नहीं है। तो जब लास्ट वाला पार्ट आपका सेम नहीं आता है तो दोस्तों हमारा कौन सा नियम होता है, तो हमारा नियम होता है कोई हल नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद बिंदु P(x,y) की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, मूल बिंदु। तो आपको याद रखना है दोस्तों मूल बिंदु कितना होता है हमेशा 0 0, उसका x और y कितना होता है हमेशा 0 0। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप अंतर सूत्र लगाएंगे, पर मैं आपको जोरदार ट्रिक बताता हूं, जब भी मूल बिंदु से अंतर पूछे ना आपको, तो यहाँ पे जो संख्या है ना उसका पहले स्क्वायर निकालने का। तो देखिए दोनों का पहले स्क्वायर निकालेंगे इस तरह से, बीच में कंपलसरी प्लस रखना है और इसको अंडर रूट में लिख देना है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। क्या करना है, सबसे पहले दोनों साइड स्क्वायर निकालना है, प्लस लिखना है और अंडर रूट लगा देना है, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर इसकी जगह कोई संख्या दी हो तो, जैसे यहाँ पे हमको 2 और 4 दिया हो, तो मैंने बताया उस तरह से मूल बिंदु से अंतर होगा तभी ये सूत्र लगेगा। 2 का वर्ग निकालेंगे 4, 4 का वर्ग निकालेंगे 16। ओके, फिर दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 16 और 4 कितना होगा 20, और फिर इसको अंडर रूट में लिख देंगे ऐसे, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसके बाद 9वां क्वेश्चन, किसी माहिते के लिए जेड बराबर 25 एक्स बराबर 25 हो तो एम ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है अगर जेड भी 25 होगा और एक्स बार भी 25 होगा ना दोस्तों, तो एम भी कितना आएगा, 25 ही आएगा। सूत्र लगा के देख लेते, देखिए सूत्र है 3m-2x बार, चलिए जेड कितना है 25, 3 एम दिया है हमें, एम नहीं दिया है, एक्स बार कितना है 25, तो देखिए 25 बराबर 3m-25, दूनी 50 होता है ना दोस्तों, अब 50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 25 + 50 बराबर 3m, 75 हो जाएगा ना, 75 बराबर 3m, चलिए m ढूंढना है ना, तो 3 कहाँ चले जाएगा दोस्तों, बटे में काटिए, 3 × 2 = 6, 1 = 3 = 15, तो देखिए m कितना आ गया 25। तो आपको सीधा लॉजिक याद रखना है, अगर दो सेम है तो तीसरा भी सेम ही होगा, तो इसका आंसर भी कितना आएगा दोस्तों, 25 ही आएगा। अब ये तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा कि भाई कोई घटना बन रही है पर कोई घटना नहीं बन रही है, उन दोनों का प्लस कितना आता है दोस्तों, हमेशा 1, मतलब P(e) + P(e) बार कितना आता है दोस्तों, हमेशा 1। 11वां क्वेश्चन, बिंदु 5-3 का एक्स अक्ष से लंब दूरी कितना है। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं, जब भी एक्स अक्ष और लंब दूरी की बात होगी तो अगर एक्स अक्ष बोलेगा तो आपको वाई का आंसर लेना है, और अगर वाई एक्स बोलेगा तो आपको एक्स का आंसर लेना है। और इसमें एक और चीज याद रखनी है, अगर आंसर माइनस में है तो उसको प्लस करके लिखना है। तो यहाँ पे बात एक्स अक्ष की हुई है तो हम किसका आंसर लेंगे, वाई का, और वाई का आंसर किसमें लेना है, प्लस में, तो -3 की जगह लिखेंगे हम +3।
तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका शॉर्ट ट्रिक। पर ये लगाना कब है, जब लंब दूरी वाला क्वेश्चन होगा तभी। उसके बाद किसी माहिती के लिए यदि सिग्मा एफ आई एक्स आई 75, सिग्मा एफ आई 12 है, तो आपको एक्स बार ज्ञात करना है। तो आपको सूत्र दे दिया है, बस आपको आंसर लाना है। देखिए एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, चलिए कितना एफ आई एक्स आई 75 बटे में 12, एफ आई आ गया 12 और सिग्मा एफ आई एक्स आई 75। चलिए काटेंगे, 12 का पारा पढ़ेंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छिंग 72, 72 आया। कितना बचा, 3 बचा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट, और यहाँ लिखेंगे हम 30 हो गया ना, क्योंकि 72 में से 75, 75 में से 72 जाएगा तो 3 आएगा, और पॉइंट का मतलब हम 0 लगा सकते हैं। अब 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 दूनी 24, मतलब 6.2 अगर जहां पे आंसर लिखा होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 दो जगह पे है, 6.2 के समथिंग ये वाला है, तो हमारा आंसर ये वाला होगा। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस तरह से थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना है ताकि आपको आगे की कैलकुलेशन नो करनी पड़े। चलिए अब एक माहिती का माध्य, माध्य बोले तो एक्स बार कितना दिया है दोस्तों 24, बहुलक बोले तो जेड कितना दिया है 12, माध्यक, माध्यक मतलब दोस्तों में एम ज्ञात करना है। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए जेड वाला, जेड 12 बराबर 3m माइनस 2x बार, चलिए जेड 12 है, चलिए एम है हमारे पास, नहीं एम नहीं है, एक्स बार कितना है हमारे पास 24। चलिए यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, इसको मिटा देता हूं मैं, देखिए 12 का 12 रखेंगे, 3m हो जाएगा यहाँ पे, 24 दूनी दोस्तों 48, 48 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, चलिए कितना होगा दोस्तों 60 हो जाएगा ना, 48 और 12 60, तो यहां लिखेंगे हम 3m बराबर 60, तो m बराबर 60 के बटे में 3 होगा तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 20, क्योंकि 3 दूनी 6 होगा, 0 का 0, तो यहां पे हमारा आंसर आएगा 20। चलिए आगे, किसी माहिती के लिए m बराबर 25, z बराबर 25, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, जब भी दो सेम होंगे तो तीसरा भी सेम ही होगा हमेशा, तो m 25 z 25 है, तो आपका x बार भी कितना होगा दोस्तों 25। ओके चलिए आगे, लीप वर्ष में 53 बुधवार है, उसकी प्रायिकता खाली जगह है। मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें क्वेश्चन ही नहीं आता है, ये कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर वर्ष की बात होगी तो आपको याद रखना है 52 सप्ताह के हिसाब से, और 7 दिन एक सप्ताह में होते हैं, इसके हिसाब से कितना होता है दोस्तों 364, हमेशा आपको 364 ही लेना है, फिक्स है 364 लेना ही है। अब बात हो रही लीप वर्ष में, तो याद रखना है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों 366, कितने होते हैं 366, बस दोनों को घटा देना है, 366 में से दो 364 गया तो दोस्तों आंसर कितना आएगा 2, और 2 के बटे में हमेशा 7 ही होगा, बराबर, बटे में फिक्स 7 है, ऊपर खाली संख्या चेंज होगी। मैं फिर से समझाता हूँ, आपको 364 तो ले ही लेना है, माइनस 364 में से ही होगा फिक्स है ये। अब यहाँ पे सिर्फ चेंजेस है, अगर लीप वर्ष होगा तो 366 लेना है, लीप वर्ष नहीं होगा तो 365 लेना है, ओके, बाकी ये फिक्स है। और ये क्यों आता है, क्योंकि टोटल 52 वीक्स होते हैं और एक वीक में टोटल 7 डेज होते हैं, मतलब 7 दिन होते हैं, इसकी वजह से 364 फिक्स है, ये ही लेना है, सिर्फ चेंज दोस्तों ये होगा। ओके चलिए आगे, गणित की परीक्षा में 100 में से 100 अंक प्राप्त करने के लिए की प्रायिकता कितनी होगी। मोस्टली बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं, 100 में से 100 अंक वो आंसर ये टिक कर देंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कभी कभी गणित के एग्जाम में बच्चे फेल भी होते हैं, फेल मतलब जीरो मार्क्स भी आता है, तो अगर आप जीरो से 100 घंटे, जीरो से अगर 100 काउंट करोगे दोस्तों तो 101 संख्या होती है, मतलब बटे में कितना आएगा दोस्तों हमेशा 101, और ये वाला आंसर आपका राइट है, बरोबर। 101 क्यों आया, क्योंकि हम यहां से जीरो से गिनते हैं, क्योंकि गणित एग्जाम में बच्चे फेल भी होते हैं इसके लिए। चलिए आगे, समांतर श्रेणी का एनवा पद मतलब एन ज्ञात करने का सूत्र, तो आप लोगों को आता ही होगा ये, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए 18वां क्वेश्चन, किसी माहिती के लिए जेड माइनस एम बराबर 2.5, एक्स बार बराबर 20, तो जेड ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहां पे हम इसमें से किसी भी एक की कीमत ढूंढ लेंगे, तो हम अगर जेड की कीमत ढूंढते हैं, चलिए तो जेड की कीमत क्या होगी, माइनस एम उधर जाएगा तो प्लस एम, मतलब 2.5 प्लस एम। अब सूत्र रखेंगे जेड का, जेड बराबर 3m माइनस 2x बार, ओके चलिए जेड की कीमत कितनी है, उसकी जगह उसकी कीमत लिखेंगे 2.5 है, 2.5 प्लस एम बराबर
तीन एम माइनस दो और एक्स बार कितना दिया हमें 20। चलिए 2.5 प्लस एम बराबर 3m 20 दिन दोस्तों 40 हो जाएगा ना, और माइनस 40 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। या तो क्या करिए आप m को इधर भेज दीजिए 40 को इधर भेज दीजिए। देखिए ऐसे फैमिली फैमिली करेंगे हम, 2.5 है ना उसके साथ में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 40 और 3m है यहाँ पे प्लस m इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस m। ओके मैंने कुछ नहीं किया बस इसको इधर लाया उसको इधर भेजा बस। कितना जाएगा हमें 42.5 बराबर 2m तो काटेंगे इसको अब m को तो 42.5 बटे में कितना हो जाएगा 2। चलिए कटिंग करेंगे दोनों की तो 42.5 यहाँ साइड में करते हैं 42.5 और 2 का भाग करेंगे तो देखिए कैसे चलेगा। चार सौ पच्चीस और बटे में 42.5 था ना पॉइंट एक संख्या तो 10 ले लेते हैं और बटे में कितना था 2। चलिए पहले से काटेंगे 2 2 4 2 एकम 2 2 2 4 और 2 5 10 मतलब 212.5 और उसके बटे में कितना है दोस्तों 10। 212.5 उसके बटे में कितना है दोस्तों 10। 10 मतलब 10 तो एक और संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 21.5 तो सॉरी 21.25 हो जाएगा। तो आपका एम कितना आएगा 21.25 और हमें ढूंढना जेड है तो जेड का सूत्र यहाँ पे लिखा है देखिए हमने ये रहा 3m माइनस ये तो इधर भी कहीं था ना एक और ये रहा 2.5 प्लस m 2.5 प्लस m 2.5 प्लस m कितना है दोस्तों 21.25 जोड़ दीजिए 21 और 2 कितना हो गया दोस्तों 23 25 और 5 कितना हो गया दोस्तों 75 है ना 5 मतलब 50 होगा तो 50 और 25 कितना हो गया 75 तो आपका आंसर आएगा 23.75। 19वां क्वेश्चन किसी माहिती के लिए यदि एफ आई एक्स आई 75 और सिग्मा एफ आई 12 हो तो एक्स बार ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है कुछ नहीं है दोस्तों खाली आपको फॉर्मूला ही लगाना है सब दिया हुआ ही है सिर्फ आपको भाग ही करना है तो इन दोनों का आपको भाग करना है। ओके आप खुद से करेंगे क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलिए 20वां देखेंगे अब यदि पी ऑफ ए बार बराबर 0.65 है तो पी ऑफ ए ज्ञात करें। तो आपको इसका सूत्र याद रखना है सूत्र आपका होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार बराबर 1। अब देखिए पी ऑफ ए हमें ढूंढना है ए बार है हमारा 0.65 बराबर 1 तो पी ऑफ ए बराबर क्या होगा दोस्तों 1 माइनस 0.65 तो आपका आंसर आएगा 0.35 मतलब 1 में से माइनस करेंगे तो 0.35 आएगा। अब ट्रिक क्या है इसकी तो आपको सिंपल याद रखना है अगर पी ऑफ ए बार दिया है ए ढूंढना है तो एक में से उसी वैल्यू को माइनस कर देने का जब आप एक में से इसको माइनस कर देंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर 0.35 आ जाएगा। इसी तरह अगर 0.40 दिया हो तो एक में से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0.60 तो आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं। आगे 21वां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यकों का योग तो योग का सूत्र क्या होता है दोस्तों माइनस बी अपॉन ए तो इसको कहां मैचिंग करेंगे हम सी के साथ और यहां पे बोला गया है आपको शून्यकों का गुणनफल गुणनफल का सूत्र दोस्तों पता है ना क्या होता है सी अपॉन ए तो इसको मैच करेंगे हम ए के साथ। ओके चलिए आगे मतलब 21 का आंसर सी है 22 का आंसर ए है। अब 23वां क्वेश्चन दो सिक्के हैं उसको आप एक साथ उछाल रहे हैं तो कुल कितने परिणाम मिलेंगे तो देखिए दो सिक्के होंगे तो या तो दोनों में हेड आएगा या तो दोनों में टेल आएगा या तो एक बार हेड आएगा दूसरी बार टेल आएगा या तो दूसरी बार टेल आएगा उसके बाद सॉरी पहली बार टेल आएगा दूसरी बार हेड आएगा तो इस तरह से दोस्तों टोटल 4 परिणाम होंगे 1 2 3 और 4 तो इसका आंसर आएगा आपका 4। ओके पासे को एक बार उछालने पर तो आपको पता है पासे में टोटल कितने अंक होते हैं दोस्तों 6 तो आपका दूसरे का आंसर आएगा बी। तो यहां पे दोस्तों हमने पेपर एक का सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह के धमाकेदार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये सारा जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने कराए हैं आपको घर से खुद से करना है। देखिए अगर टॉपर बनना है तो टॉपर वाला माइंडसेट अपनाना पड़ेगा और सारे सम सिर्फ देखने से नहीं आएंगे करने से आएंगे दोस्तों और ये छोटी सी चीज आपको अगर करेंगे तो 100% टॉपर के कैटेगरी में आ जाएंगे। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक सबको जय हिंद जय भारत।